हम आज सनी पाजी की नहीं, सनी पाजी के पापा की मूवी देखने आए हैं और सनी पाजी से मिल लेते हैं एक बार। और ये है सनी पाजी का हेडपम्प जो उन्होंने गदर मूवी में खड़ा था, यही है वो हेडपम्प, ध्यान से देखिए, यही है वो हेडपम्प और यही है वो सनी पाजी का 2.5 किलो का हथौड़ा का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आई हूँ आज मूवी देखने और अपने बच्चों के साथ। अभी पहले हम लोग खाना खाने वाले हैं, उसके बाद अब मूवी देखने जा रहे हैं। रॉकी और रानी कुछ मूवी है, ऐसे मेरे बेटे ने टिकट बुक की है क्योंकि उसके बर्थडे के दिन, तो आपने पता ही है हम लोग ने सिंपल एक डिनर किया था, बट आज वो हमें ट्रीट दे रहा है, मूवी दिखा रहा है और खाना खिलाने के लिए लाया अपनी खुद की पॉकेट मनी से। मैंने उसको बोला था अपने फ्रेंड्स के साथ जा, बट वो कह रहा नहीं, मुझे पापा और आपके साथ ही रहना है। तो आज हम मूवी देख रहे हैं, पहले हम अच्छा सा एक वेज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने वाले हैं। उत्सव एक रेस्टोरेंट है, यहाँ बहुत अच्छा वेज खाना मिलता है, बट अगेन मेरा सेम प्रॉब्लम है। मेरे नए सब्सक्राइबर है उन्हें बता देती हूँ कि मेरे बेटे और हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत साइलेंटली बनाती हूँ, पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता ही है। तो एज यूजुअल बहुत शांति से आज ये वीडियो बनने वाला है, वैसे भी ज़्यादातर वीडियो शांति बनते हैं मेरे। सो ठीक है, चलते हैं एक अच्छे से डिनर के लिए, देन बाद में मूवी के लिए। उनसे बात कर रहा था आपके साथ गाड़ी में बैठ के, तो वो कह रहे थे कि उधर गर्गी धीरे से खाना, बहुत गर्म है, बहुत गर्म, बहुत गर्म। तो गाइस डिनर डन, नाउ मूवी के लिए मॉल में आ गए हैं। अभी हम लोग गार्गी अथर्वा के जा रहे हैं और ना पीछे जा रहे हैं। गार्गी यार मॉल में आई हूँ, पर पता है क्या है, मेरे साइज के कपड़े जल्दी से मिलते नहीं है, इसलिए मैं विंडो शॉपिंग करके ही खुश हो जाती हूँ। अभी मॉल में पूरा 50% 30% 40% सेल चल रहा है, बट मेरे को शॉपिंग करने के लिए पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए, जल्दी जल्दी में होती नहीं है मेरी, फुल ट्रायल करने पड़ते हैं कपड़े मुझे, फिर लेती हूँ। गार्गी को एक्सपीरियंस लेना था तो गार्गी एक्सपीरियंस ले रही है। गार्गी कैसा लग रहा है, दिख रहा है सारे क्यूट क्यूट गणपति पप्पा, वाओ लॉट्स ऑफ गणपति पप्पास, जय हो गणपति पप्पा, क्यूट है। ये जो गणपति हैं ये सब क्ले के बने हुए हैं और इनका प्राइस फुट के ऊपर है। मैं भैया से पूछती हूँ कैसे कैसे होता है, पर फुट का कितने का है भैया? एक फुट का 2300। अभी ये वाला गणपति कितने के होंगे, ये कितने फुट के हैं? ये मैम 12 इंच का है, 3400। वाओ गाइस, ये जो छोटे से क्यूट से गणपति हैं ये 3000 के हैं, वाओ इनका पर फुट का हिसाब है, क्यूट गणपति है ना। तो गाइज अभी हम हैं मॉल में और मॉल के बाहर क्ले के गणपति सेल आउट करने के लिए लगाए और मैं भैया से पूछ रही हूँ इसके बारे में। तो चलिए क्ले के गणपति के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं भैया। हाय दिस इज प्रवीण, गुड इवनिंग। ये हमारा पिछले 6 साल से हम यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, ठीक है। पूरे जो गणपति है यहाँ पे शाडू माती के है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 फुट से लेके 10 इंच से लेके आपको 2 फुट तक पूरे मूर्ति जो है अवेलेबल है, ठीक
करके। और भैया ये जो गणपति जब हम विसर्जन करते हैं तो ये कितनी देर में पूरे खुल जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली दो घंटे में ये पूरा, आप अगर इसको घर में भी विसर्जन करोगे हाँ, ये विसर्जन हो जाएगा। ओके तो गाइस ये बोल रहे हैं अगर हम ये विसर्जन घर पे करेंगे तो इन गणपति जी का विसर्जन घर में भी हो जाएगा दो घंटे में। ये गणपति ये दो घंटे में आपके जो आपके घर में टब होता है हाँ, ठीक है, उस टब में आप अगर रख देखो तो ये दो से तीन घंटे में पूरा। तो भैया ये एक गणपति बनाने में कितना टाइम जाता है? मैम अभी टाइम अगर बोलने जाऊँ तो पहले कैसा मिट्टी भिगाना पड़ता है हाँ, हाँ। तो मिट्टी भिगाने के बाद उसको साचा में डाला जाता है, फिर साचा बनाने के बाद उसको सुखाया जाता है। ओके सुखाने के बाद उसको कलर पेंटिंग वगैरह पूरा घिसना होता है। ओके तो नॉट इतना इजी नहीं है? नहीं ये इजी नहीं, ये छोटे बच्चों की तरह संभालना होता है। तो गाइज हमें लगता है कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे गणपति बहुत इजी है बनाने, स्पेशल क्ले के गणपति तो इतने इजी नहीं है क्योंकि इनको तो बहुत संभाल के और बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। तो मैं गणपति बापा से प्रार्थना करूंगी कि आप सबको भी अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दें, आपका जीवन भी, कहते हैं ना गणपति बापा सब कष्टों का नाश करते हैं, तो गणपति बापा आपके जीवन में भी सब दुखों का नाश करें, विघ्न हरता है सब विघ्न हरे। सो यस गणपति जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे, यह सपोज मेरे साथ भी रहे। मेरा तो आज आना बहुत अच्छा हो गया, मुझे गणपति जी के दर्शन हो गए गाइस, तो आई एम वेरी लकी कि मुझे गणपति जी के दर्शन हो गए और मेरे को मेरे ब्लॉग के अंदर एक प्यारा सा गणपति, छोटे से क्यूट से गणपति जी के दर्शन करने मिले और आपको भी दर्शन करवाने के लिए मिले, तो मूवी तो सक्सेस हो गई है ना गाइस। चलो अभी मूवी देखने चलते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गणपति बप्पा मोर टी। पिछले हफ्ते आया था मैं।